डीएसपी पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के अष्टम दीक्षांत समारोह में शिरकत की। मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम ने मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समारोह में विभिन्न पाठ्यक्रमों के 26 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक दिया जाएगा। कुल 15,417 विद्यार्थियों को डिग्री दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री धामी उधम सिंह नगर जिले के खटीमा विधानसभा में आयोजित भारत विकसित संकल्प यात्रा में भी प्रतिभाग करेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। उत्तराखंड के दीक्षांत समारोह एवं अनेकों की योजनाओं के मुक्त राशि उत्तराखंड राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह नेगी जी, इस क्षेत्र में जहां पर ये विश्वविद्यालय स्थापित है, यहां के हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी, भीमताल क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई राम सिंह कैड़ा जी, कुल सचिव पी डी पंत जी, अन्य विश्वविद्यालय के आए हुए हमारे सभी कुलपतिगण, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई प्रताप जी, यहाँ के मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल रौतेला जी, कृषि उत्पादन मंडी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल डबू जी, भाई दिनेश आर्या जी, हमारे कुमाऊं क्षेत्र के कमिश्नर श्री दीपक रावत जी, टीआईजी डॉक्टर योगेंद्र रावत जी, जिलाधिकारी वंदना जी, एसएसपी श्री मीणा जी, हमारे प्रदेश महामंत्री श्री राजेंद्र बिष्ट जी, भाई कुंदन गठवाल जी एवं आए हुए सभी हमारे अतिथिगण, सभी विश्वविद्यालयों से, विश्वविद्यालय के सभी हमारे शिक्षकगण और जिनके निमित्त आज ये दीक्षांत समारोह आयोजित हो रहा है, ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं सबसे पहले तो विश्वविद्यालय के अष्टम दीक्षांत समारोह की आप सभी को मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं उत्तराखंड की ज्ञान की गंगा को अविरल प्रभावित करने वाले इस संस्थान में जब भी आता हूं तो निश्चित रूप से स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूं। और आज चूंकि पहले से बहुत सारे कार्यक्रम पूर्व निर्धारित थे, लेकिन कभी भी कोई ऐसा अवसर होता है कि जब मुझे छात्रों के बीच में, नौजवानों के बीच में, अपने गुरुजनों के बीच में आना होता है, तो मेरी हमेशा एक प्राथमिकता रहती है कि अवश्य आप सबके बीच में पहुंचूं, भले ही कुछ समय के लिए पहुंचूं। तो आप सबके बीच में आकर मुझे अत्यंत ही स्वयं को मैं जहाँ गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, वहीं एक नई ऊर्जा भी आप सबके बीच में आने निश्चित रूप से प्राप्त होती है। मैं विश्वविद्यालय में कभी भी एक अतिथि के रूप में नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय के एक सदस्य के रूप में, आप सबके पारिवारिक सदस्य के रूप में विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों में सम्मिलित होता हूँ। और मेरा लंबा कालखंड लगभग 10 वर्षों का बहुत कक्षा 12वीं के पढ़ाई के बाद मैं विश्वविद्यालय में गया
और लंबे समय तक मुझे लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई का अवसर प्राप्त हुआ। उस दौरान विश्वविद्यालय के सारे क्रियाकलापों से हमारे चाहे कार्य परिषद हो चाहे अन्य होने वाली गतिविधियां हो सभी से नजदीक से उनको जानने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। इस नाते में जब भी आप सबके बीच में आता हूं तो सच बताऊं तो एक दिन पहले से मुझे लगने लगता है, शास्त्री जी हंस रहे हैं, तो एक दिन पहले से लगने लगता है कि मुझे आज छात्रों के बीच में जाना है, आज विश्वविद्यालय में जाना है। मैं सच बताऊं तो एक अंदर बहुत उत्सुकता रहती है कि जल्दी से जल्दी छात्रों के बीच में आप सबके बीच में पहुंचूं। शिक्षा के मापदंडों को स्थापित करने में उच्च शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उच्च शिक्षा व्यक्ति और समाज इसके निर्माण में न केवल एक सेतु का काम करती है बल्कि उच्च शिक्षा की भूमिका व्यक्तित्व के निर्माण में भी बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में उच्च स्तरीय शिक्षा के माध्यम से उच्च कोटि के व्यक्तित्व का निर्माण करने में हमारा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय बहुत बड़ी भूमिका अपनी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों की प्रतिभा एवं क्षमता के आधार पर उनको विशिष्ट क्षेत्रों में तकनीकी एवं बौद्धिक रूप से सशक्त किए जाने का काम निरंतरता से विश्वविद्यालय कर रहा है। पिछला वर्ष विश्वविद्यालय के लिए अनेक अनेक उपलब्धियों से परिपूर्ण रहा है। जहां एक ओर विश्वविद्यालय को अपने पहले ही प्रयास में नेक द्वारा मूल्यांकन में B++ ग्रेड प्राप्त हुआ, वहीं विश्वविद्यालय के दिव्यांगों के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य हेतु राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। निश्चित रूप से हम सबको गौरवान्वित किया। सभी उपलब्धियां विश्वविद्यालय के कुशल नेतृत्व और विश्वविद्यालय के शैक्षणिक गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के विश्वविद्यालय के प्रत्येक सदस्य के अथक परिश्रम का प्रतिफल है। मुझे प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय लगातार शैक्षिक गतिविधियों के अतिरिक्त भी अन्य बहुत सारे अन्य गतिविधियों में भी लगातार विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ काम कर रहा है। विश्वविद्यालय आगामी 8 और 9 फरवरी 2024 को भारतीय ज्ञान परंपरा के आध्यात्मिक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा विज्ञान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। एक समय था, मुझे ध्यान है कि एक समय था जब लोग इस विश्वविद्यालय पर सवाल उठाते थे कि इस तरह की यूनिवर्सिटी का कितना आगे बढ़ पाएगी, कितना रिजल्ट दे पाएगी, लेकिन यहाँ के विद्यार्थियों ने, यहाँ के प्रोफेसर्स ने और यहाँ से निकले प्रोफेशनल्स ने इन बातों का जवाब अपने मुंह से नहीं दिया बल्कि अपने कामों से, उन्होंने अपनी गतिविधियों से, अपने परिणाम से उन सबको जनता के सम्मुख, राज्य के सम्मुख, सबके सम्मुख रखने का काम किया है। मुझे यह देखकर खुशी होती है कि विश्वविद्यालय आज केवल प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भी अपनी पहचान बना रहा है। मैं इन सब विशिष्ट उपलब्धियों के विश्वविद्यालय के कुलपति जी को, नेगी जी को तथा यहाँ के प्रोफेसर को, यहाँ की पूरी टीम को, यहाँ के विद्यार्थियों को, सबको मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण विश्व न केवल हमारी शक्ति और ज्ञान की परंपरा से परिचित हो रहा है बल्कि आज विश्व के अन्य देश भी हमारा अनेक क्षेत्रों में आज हमारा अनुसरण कर रहे हैं। मैं अपने प्यारे विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि आज पूरा विश्व आपके जैसे युवाओं के सामर्थ्य से लाभान्वित होने के लिए विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में आज लालायित है, आप सबका इंतजार कर रहा है। आप सभी जानते हैं वो समय नहीं है जब हम केवल एक काम सीखें और वही पूरे जीवन भर करें। अपस्किलिंग और रीस्किलिंग वो पैटर्न है जिसका अब हम सभी को पालन करना होगा। इंडस्ट्री की मांग भी लगातार बढ़ रही है, सेवाओं की जो प्रवृत्ति है वह भी लगातार बदल रही है।
इसलिए हमें अपने कौशल को लगातार अपग्रेड करना होगा और जैसी समय की मांग है उस समय के अनुकूल स्वयं को बनाना होगा। मेरा मानना है कि जीवन में उत्साह, परिश्रम और संकल्प, ये तीनों किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने देखा है जीवन में अगर आपके अंदर उत्साह होगा, उमंग होगी, तो आपके अंदर ऊर्जा स्वतः ही आ जाएगी और वो ऊर्जा आपके अनेक कार्यों में उसको संकल्प से सिद्धि तक पहुंचाने में बहुत बड़ी मददगार होगी। आप जब उत्साह से अपने संकल्प को साकार करने के लिए परिश्रम करेंगे तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपकी सफलता में बाधा नहीं बन सकती, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्पस ऑफ लाइफ, दो ऐसी पटरियां हैं जिन पर आपके संकल्पों की गाड़ी बहुत तेजी से आगे दौड़ सकती है। आप सभी को एक क्लीन स्लेट के साथ आगे बढ़ना होगा और कुछ लोगों के मन में कई बार कुछ धारणाएं बन जाती हैं, सुनते सुनते विचारों के आसपास आने से, दिमाग में बहुत सारे बोझ के कारण से, कि कुछ बदलने वाला नहीं है। उस लकीर को भी, और मैं कहूं कि जो जाला लग जाता है, धुंधला हो जाता है, उसको हमको हटाना होगा। यानी कि दिमाग को बिल्कुल कंसंट्रेट करते हुए, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करते हुए, अपने लक्ष्य की ओर, लक्ष्य को अपने जीवन का ध्येय मानते हुए। तो अष्टम दीक्षांत समारोह से सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे कि किस तरीके से उनकी तरफ से कहना था कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए आगे चलना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह था, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की।